हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं चीजी मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और उसके साथ ही ये बहुत ही हेल्दी होती है। हमारे बच्चे नाश्ता करने में बहुत ही आनाकानी करते हैं, लेकिन हम जब भी चीजी मैक्रोनी बनाते हैं तो बच्चे बहुत ही टेस्ट लेकर के खाते हैं। तो चलिए, आइए हम इसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। एक छोटा प्याज लिया है, एक बड़ी चम्मच भर के मैंने मैदा ली है, स्वीट कॉर्न लिया है, शिमला मिर्च ली है, एक छोटा बाउल भर के मैंने चीज लिया है, 2 क्यूब बटर के, टेस्ट के अनुसार नमक लिया है, आधा छोटा कप मैंने दूध लिया है जिसको मैंने उबाल के ठंडा करके रख लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड लिया है, रेड चिली ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ऑरिगेनो लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और मैक्रोनी ली है। पानी को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड डाल दे रही हूँ जिससे हमारी मैक्रोनी चिपकेगी नहीं और थोड़ा सा मैं नमक भी डाल दे रही हूँ जिससे हमारी मैक्रोनी के अंदर नमक पहुंच जाएगा। पानी उबल गया है, अब इसमें हम अपनी मैक्रोनी डाल दे रहे हैं। मैक्रोनी उबल चुकी है, अब इनका हम पानी निकाल देते हैं। पास्ता हमारा उबल चुका है, मैक्रोनी की अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा रिफाइंड डाल दे रहे हैं। और जो हमने बटर लिया था बटर डाल दे रहे हैं। बटर का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको बटर को अच्छे से मेल्ट कर ले रहे हैं। मैदा और दूध को मिला करके एक बैटर तैयार कर ले रहे हैं। अब इसमें हम जो मैदा और दूध वाला जो हमने घोल बनाया है वो इसमें डाल दे रहे हैं। गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल ले रहे हैं। हमारा व्हाइट सॉस जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम सब्जियां डाल दे रहे हैं, प्याज डाल दे रहे हैं, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डाल दे रहे हैं, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। अदरक लहसुन का हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में उपयोग करना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। और बच्चों की इम्यूनिटी तो बहुत ही कमजोर होती है, इससे उनको तो अदरक लहसुन जरूर खिलाना चाहिए।
अब इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल दे रही हूँ। इसको मैंने बहुत महीन नहीं किया है, इसको मैंने दरदरा क्रश कर लिया था। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मैक्रोनी में। अब इसमें मैं चीज़ डाल दे रही हूँ। चीज़ मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, इन सबको अब मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं बटर और डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा नमक और डाल दे रही हूँ। नमक आपको अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये मसाला जो है गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी मिला लीजिए। और इसको अच्छे से चला लीजिए। चीज़ देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पास्ता डाल दे रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इसमें पास्ता डालेंगे जिससे इसमें चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसमें चीज जो है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है। चीज अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारी चीजी मैक्रोनी बनके तैयार है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। इसको हम ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स से गार्निश कर देंगे। देखिए हमारी चीजी मैक्रोनी कितनी लाजवाब बनी है और जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट ये खाने में लगेगी। इसको एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। आइए अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारी चीजी मैक्रोनी कैसी बनी है। हमारी मैक्रोनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। एक बार इसको आप अपने घर में ट्राई जरूर करिएगा और जैसे ही आप बच्चों को बताएंगे कि आपने चीजी मैक्रोनी बनाई है, बच्चे खुशी से जो है आपके गले लग जाएंगे और जब आपके बच्चे ये झटपट ही नाश्ता खत्म कर देंगे तो आपको बहुत खुशी होने वाली है। प्लीज दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजी मैक्रोनी कैसे लगी। अगर आपको मेरी इस डिश से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझसे कोई भी सजेशन ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।